हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे एक पिज्ज़ा। जिन बच्चों को पिज्ज़ा पसंद है, आज से वो बच्चे बाहर जाना बंद करेंगे इस रेसिपी से। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने काट लिया है शिमला मिर्च, ग्रीन वाली, रेड वाली, और मशरूम है, और एग है, और इसमें मैंने चार एग पहले से बॉयल किया है वो भी है, नमक है, आटा है, चीज़ है और दूध है, और सब मसाले डालेंगे, वो मसाले रहेंगे। ये अंडा को मैंने बॉयल कर लिया है, इसको काट लेंगे पीस पीस दो भाग में, और एक अंडा ऐसे ही रखेंगे। चलिए पैन में तेल लगा लेंगे, में थोड़ा तेल डाल देंगे और ग्रीन वाली शिमला मिर्च को इसमें डाल देंगे। दोनों को थोड़ा डाल करके सौटा कर लेंगे, हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे। इसको थोड़ा अच्छे से चलाएंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है। ये पिज्ज़ा बन के बहुत ही अच्छा रेडी होगा। आप लोग अपने घर पे ट्राई कीजिए। इसमें मशरूम डाल देंगे। इन तीनों को अच्छे से चलाएंगे जब तक इसमें का पानी सूख ना जाए। अब एक जग में एक अंडा डालेंगे, इसका पेस्ट बनाना है। इसमें दूध डालेंगे एक गिलास और आटा डाल देंगे एक प्याला। इन सभी को अच्छे से घोल बना लेंगे, आटा का पेस्ट बना लेंगे, फिर नमक डालेंगे इसमें। इसको गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है। देखिए मेरा इसमें पानी सूख गया है। अब ये जो पेस्ट बनाए थे इसमें डाल देंगे। आप लोग ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा बन के रेडी हुआ था। अब एक बार आप लोग मेरे स्टाइल से बनाइए पिज्ज़ा, बहुत ही इजी है। अब इसमें बटर डालेंगे, बहुत ही इजी है, 10 मिनट में बन के रेडी होगा पिज्ज़ा। एक बार ट्राई कीजिए आप लोग भी। अब इसमें ये जो मैंने अंडा बॉयल किया था इसको डाल देंगे पलट पलट के। इसमें आप चाहिए तो धनिया पत्ती तो सब कुछ डाल देंगे। इसमें मैंने प्याज लिया था, वो ग्रीन वाला पत्ता वाला प्याज है, उसको डाला। अच्छे से उसको डाल देंगे। हम कम फ्लेम पे करना है, कम फ्लेम पे, एकदम कम पे रहेगा, स्लो। अब इसमें ओरिएगानो डाले हैं, नमक डाल देंगे, मिथाई डालेंगे, चिली फ्लेक्स था वो जो कुटी हुई मिर्च, लाल मिर्च होता है, वो कुटी हुई लाल मिर्च डलाएगा। आप अपने फ्लेवर के लिए और कुछ भी ऐड कर सकते हैं। चाट मसाला हो तो चाट मसाला डाल दीजिए। मैंने कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल दिया है। भुकी हुई मिर्ची डलाएगा इसमें, और फिर ऊपर से नमक, और जितना हो सके आप चीज़ डाल दीजिए। बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा चीज़ी, मेरे बच्चों को तो बहुत ज़्यादा ही पसंद आया था। आप लोग एक बार अपने घर पे ट्राई कीजिए। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आप लोगों को ये रेसिपी। इस पिज़्ज़ा को बनाने में ज़्यादा मेहनत नहीं है, बहुत ही ईजी है, बच्चे इसको बहुत ही पसंद करेंगे। एक बार आप मेरे स्टाइल में बना के ट्राई कीजिए, बहुत ही बन के अच्छा हुआ होगा, रेडी होगा। रेडी हो गया मेरा पिज्ज़ा। चलिए इसको कटिंग करते हैं, चेक करते हैं कैसा है। बहुत ही टेस्टी हुआ था। आप लोग एक बार ट्राई कीजिए अपने घर पे बना के, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा
कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू, बाय।